भाई साहब ये वाला पैच देख के याद आ रहा है रास्ता। देखो यहाँ देखो तो कपड़ा खोल के रेडी, अभी बस पानी में मारेंगे कूदी। तो गाइस अभी हम लोग रिटर्न हो रहे थे रास्ता से और खतरनाक का चीज दिख गया, ये अल्लाह देख रहे हो गंगा मैया रे मिंटू देख। देख ये रहा हैंगिंग ब्रिज। व्हाट्स अप पीपल, दिस इज इजेक्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले जय श्री राम जय बोले गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के बज रहे 7:00 दिख रहा होगा, हाँ 7:20 हो रहा है। तो अभी हम लोग उठ के फ्रेश हो गए, तभी प्लान किए थे कि नहाने का, क्योंकि हम लोग का होम स्टे है ये और जस्ट इसके सामने ये नदी देख रहे हो। तो बस अभी सोचे थे नहाने का, तो एक भैया यहाँ पे बैठा हुआ है, ये बता रहा था कि इधर एक ब्रिज है हैंगिंग ब्रिज, तो वहाँ पे जो वो मतलब व्यू अच्छा है। तो अभी बस नहाना कैंसिल किए, अभी वो हैंगिंग ब्रिज साइड जाएंगे, उधर जाके थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, फिर आएंगे आके सीधा नदी में मारेंगे कूदी, नहा के फिर यहाँ से निकलेंगे। मतलब हम लोग का टाइम है कि 8 बजे तक निकलने का, अभी 10-20 मिनट लगेगा जाने में उधर। तो बस चलेंगे उधर घूम फिर के, फिर आके यहीं पे आके कूदेंगे। तो चलो चलते, अभी मामू गया पैंट चेंज करने, सैंडोगंज में निकल गया था, अभी बेटा टी शर्ट में आ गया। इधर देखो अभी टी शर्ट शूज में आ गया, थोड़ा देर पहले आप चड्डी में। ब्रेकफास्ट क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना है कि मंदिर जाना है? मंदिर जाना है इसलिए कल दीदी को बोले थे कि ब्रेकफास्ट नहीं करना, मंदिर जाना है। तो गाइस हम लोग का ब्रेकफास्ट नहीं होगा, हम लोग मंदिर दर्शन करेंगे पहले, उसके बाद ब्रेकफास्ट उधर ही कहीं पे करेंगे। तो बस अभी जा रहे हैं हैंगिंग ब्रिज साइड और पराठा ये सब कर लेंगे, एकदम मीठा मीठा आलू की सब्जी कड़ाकेदार ब्रेकफास्ट हो जाएगा। बाकी अभी चलते आके देखते किधर है हैंगिंग ब्रिज। भाई देखो हैंगिंग ब्रिज तो बहुत देखे नेपाल में जब गया था उधर, सब बाइक मतलब जहाँ से सिर्फ लोगों का आना जाना होता है वहाँ से हम लोगों ने बाइक लेके गया। बट इधर कोई हैंगिंग ब्रिज है अभी देखते, इधर मोर का साउंड आ रहा है भाई, अब किधर से आ रहा है ये नहीं पता। इधर तो हम लोग निकल गए अभी ट्रैकिंग के लिए, बस थोड़ा बहुत आगे चलेंगे फिर शायद हैंगिंग ब्रिज आएगा। रास्ता देखो बाइक ले जाने से अच्छा होता क्या, रास्ता देख लो, देख रहे हो इधर रास्ता, हाँ ये सब रास्ता में डर्ट बाइक तूफान की तरह जाएगा, तूफान। सीट पे बैठना नहीं है, खरे एकदम डर्ट बाइक ले गए, खाली आवाज़ करेगा खर खर खर, निकल लो सीधा। इधर देखो रास्ता, हाँ भाई हो गया अच्छा खासा जॉगिंग हो गया मॉर्निंग। और भाई वाटर क्रॉसिंग तो इधर से करना पड़ेगा, कर लिए अभी और आगे चल रहे हैं। भाई साहब ये वाला पैच देख के याद आ रहा है मुक्तिनाथ का, जब हम लोग लैंडस्लाइड में फंस गए थे, अब हम लोग को घर भी आना था क्योंकि टाइम नहीं था किसी के पास, तो जो बस्ती के अंदर से रास्ता होता है जैसे ये भी एक बस्ती के अंदर से ही रास्ता सब है, तो इस टाइप का रास्ता से हम लोग बाइक लेके गए थे, याद आ गया अचानक से दिमाग में टनका एकदम, हाँ ये तो उसी टाइप का पैच है भाई, ये सब पत्थर, ऐसा ऐसा रास्ता से बाइक उठाना पड़ा था।
बाकी वो ब्रिज नहीं आ रहा है। हैंगिंग ब्रिज बोल कंगल ने तो भेज दिया, लेकिन अभी हम लोग हैंग हो रहे हैं। हैंग हमें लगता है मामू बनाया हमें। हैंग हो रहे हैं हम लोग, हैंग। हम लोगों ने बोला कि सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, हाँ। तो एक्चुअली सीन ऐसा हुआ कि आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे अंकल? हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग को मंदिर दर्शन करना है। लो अच्छा ठीक है, इधर जाए ना, इधर एक हैंगिंग ब्रिज है, बहुत अच्छा है, व्यू अच्छा है। ठीक है, तो मैंने इसको बोला चलना है, तो हाँ चलो। अब ना पता चला कि बाबू ये लोग ट्रैकिंग करते हुए जाएगा, आएगा तो कराकेदार भूख लग जाएगा, मगर पैसा निकल गया। क्या ये स्कैम? बाकी मजाक कर रहा था, वैसा कुछ नहीं है, हम लोग खुद से ही जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा घूमना था। अभी टाइम है 8:30 बजे तक निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से, माल बाज़ार पहुँचते पहुँचते एक घंटा में पहुँच जाएंगे, उसके बाद तो सिलीगुड़ी बस चलते हैं। तो भाई फाइनली आ गए यहाँ पे, मेरे को लगा है ही नहीं। अभी रास्ता किधर से? रास्ता हाँ इधर से ही है, यहाँ पे एक शॉप है, रास्ता है इधर से, ये रहा हैंगिंग ब्रिज। बस इसके लिए भाई ये किया था, भेजा था भाई, इसमें आदमी चलता है ना है? अरे पूरा यहाँ पर टूटा हुआ, मतलब पूरा हिल रहा है, इधर देखो पूरा हिल रहा है, देखो ये चल रहा है, पूरा हिल रहा है भाई। यहीं पे कूदी मार ले क्या इस साइड में? बाकी यहीं पे कूदी मार ले क्या है भाई? अभी हम लोग सोचे थे इस रास्ते से निकलेंगे, पीछे से रास्ता है, बट अंकल जी ने बताया, मतलब एक दुकान से पूछा हम लोगों ने, तो वो अंकल ने बताया कि इधर से मत जाओ, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ जाएगा, मतलब बहुत हद से ज़्यादा घूमना पड़ जाएगा, तो हम लोग उधर से नहीं जाएंगे, हम लोग फिर से इधर से ही जा रहे हैं। बाकी ये नदी का नज़ारा इधर भी, और यही नदी जाके वो रॉकी आइलैंड का जो ब्रिज है वहाँ से नीचे से जो नदी क्रॉस हो रहा है वहाँ पे जाके मिलेगा। बाकी अभी इधर से ही चल रहे हैं, और इधर भी भाई होम स्टे वगैरह देता है, इस साइड भी होम स्टे वगैरह, ये सब जो दिख रहा है ना इधर होम स्टे वगैरह देता है, उस साइड भी, वो भी उधर भी होम स्टे देता है वो वाला जो देख रहा है। तो बस वो अंकल भी बता रहे थे कि उधर भी होम स्टे वगैरह देते हैं, और भाई इधर गाड़ी भी आया हुआ है एक, मतलब यही वाला जो रास्ता से अभी हम लोग आए हैं उधर से ही ये गाड़ी आया है, ये वाला, मतलब ये गाड़ी एक्सपायर हो चुका है अभी, एकदम एक्सपायर हो चुका है, तो बहुत पुराना गाड़ी है, बहुत पुराना, देखो यही गाड़ी इसी रोड से आया हुआ है। तो फिर से हम लोग इसी रोड से रिटर्न हो रहे हैं, तो फटाफट चलते हैं, फिर नदी पे भी जाना है। तो गाइस अभी हम लोग रिटर्न हो रहे थे रास्ता से, और खतरनाक का चीज़ दिख गया, ये अल्लाह देख रहे हो, गोपुर में बहुत दूर से दिख रहा है, यहाँ देखो कुछ नहीं करेंगे, मेरा औकात भी नहीं आपसे लड़ने का, बक ना देख रहे हो गाइस, ये देखो देखो कैसे भाग रहा है, इसको भी डर है इंसानों से, और भाई मार के खाता आप लोग, केकरा आ केकरा क्या नहीं होना चाहिए वैसा। बाकी अभी हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, बस नीचे तरफ आ चुके हैं, कुछ ही देर में हम लोग पानी में होंगे, मतलब गया भैंस पानी में। भाई यहाँ पे लगा दिया अभी स्पीकर, तो भाई इधर गाना बज रहा है, अरे भाई हम लोग खुद ही मारेंगे, इधर बंदर को देखिए, गंगा मैया रे मिंटू देख, ए देख, ए देख, ए कैमरा भी मिंटू, कैमरा कैमरा, अरे कैमरा कैमरा भाई, ठंडा बहुत ज्यादा, ठंडा सो मच, ठंडा 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 सो मच, ठंडा ठंडा। अभी नहाएंगे भाई, नहा के फिर इधर से निकलना हम लोग को,
गाइस मजा आ गया, मजा। भाई पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, तो भाई साहब अभी नहाना वहाना खत्म हम लोग का, तो अभी सीधा होटल पे चलेंगे, होटल पे जाके चेंज वगैरह करेंगे, चेंज करने के बाद बाइक निकालेंगे और चल देंगे सीधा माल बाजार, शिवम टेम्पल है वहाँ पे चलेंगे। तो बाकी आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट बताना, ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो होप कि आप लोग को ये वाला ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सर मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी सेफ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।